बढ़िया, ताली बजाइए। आज की इस ट्रेनिंग में यहाँ पे जो पानी समिति बनाई गई है, उस पानी समिति के लोगों की एक ट्रेनिंग की गई थी। इस ट्रेनिंग में एक सिमुलेशन टूल के माध्यम से जो वाटर एड द्वारा जो यहाँ पे पानी साफ पानी के ऊपर काम किया जा रहा है, उसको बताने के लिए पंचसूत्रा का सहारा लिया गया है। उस सिमुलेशन टूल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि सोर्स से लेकर के हाउस होल्ड तक जो पानी पहुंच रहा है, उसमें कहां कहां हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है और कैसे कैसे देख रेख करने की ज़रूरत है कि ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा पानी का जो संचालन हो रहा है, साफ पानी की जो व्यवस्था हो रही है ये ओवरहेड टैंक के माध्यम से, उसको कम्युनिटी के लोग कैसे समझ पाए और उसकी ओनरशिप कैसे आएगी, कैसे लोग इसको देख रेख करेंगे, कैसे इसका मेंटेनेंस करेंगे, कैसे इसका रख रखाव करेंगे। उस रख रखाव करने के लिए बेसिकली 5 नियमों की बात की गई है, 5 सूत्रों की बात की गई है। पहला सूत्र पे डिस्कस हुआ है जिसमें हम कहते हैं नियमित बैठक, यानी पानी समिति के लोग अगर नियमित बैठक करेंगे तो शायद हम पानीदार गाँव बनाने में सफल हो पाएंगे। दूसरा सूत्र की बात की गई है कि हम नियमित बैठक तो कर रहे हैं पर क्या हमारी कमेटी का कोई नियम बना है कि नहीं बना है, जिससे कोई भी संस्था को आगे तक नियमित संचालन करने के लिए ज़रूरी है कि अपना खुद का नियम होना ज़रूरी है और नियम के तहत अगर हम काम करते हैं तो नियम का पालन अगर हम कर ले जाएंगे तो संस्था का अस्थायित्व काफ़ी दिनों तक रहेगा। तो पानी समिति का अस्थायित्व तभी रहेगा जब हम नियमों का निर्धारण कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तीसरी जो बात की गई कि नियम तो बना लिए लेकिन ऑपरेटर का चयन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑपरेटर अगर बिना भेदभाव का जब तक पानी सबको सप्लाई नहीं करेगा, अगर बिना भेदभाव का सबको देखरेख नहीं करेगा, नियमित पानी का संचालन नहीं देगा और अगर सबको एक नज़रिए से नहीं देखेगा, एक आंख से नहीं देखेगा, तो शायद ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा और वो अस्थायित्व पूरे गांव के लोग उससे खुश नहीं होंगे। तो ऑपरेटर का सिलेक्शन, ऑपरेटर का चयन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। चौथी जो बात की गई है कि तब जा करके इसका जो बेसिक खर्चे हैं, विशेषकर जो देख रेख में ऑपरेशन मेंटेनेंस में जो खर्चे हैं, उस देख रेख के खर्चे में आखिर कौन इसका वहन करेगा, क्योंकि वाटर एड तो एक तरह से इनको टंकी बना के दे दिया है, पूरा सिस्टम बना के दे दिया है, लेकिन आखिर इसका अगर कोई चीज़ हो, अगर कोई ख़राब होती है तो उसको बनाएगा कौन। इसके लिए टेरिफ कलेक्शन की बात हुई है, नियमित जल शुल्क की बात हुई है। तो चौथा नियम है कि नियमित जल शुल्क कैसे इकट्ठा होगा, निर्धारित जो जल शुल्क है वो कैसे हम नियमित करेंगे, घर से कैसे लेके आएंगे, उसके ऊपर बात की गई है। और पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है वो की गई है कि इसका लेखा जोखा कैसे रखेंगे, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है जो गांव में एक मतभेद पैदा करता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई है कि नियमित लेखा जोखा अगर नहीं होगा हमारी पानी समिति के अंदर तो हमारे अंदर अविश्वास होगा और अविश्वास उस नज़रिए से पनपेगा कि धीरे धीरे पूरा जो सिस्टम है वो सीधे जो है खुशहालपुर की जो कहानी सुनाई गई थी और खुशहालपुर से बदहालपुर में टाइम नहीं लगेगा। सभी लोगों ने कहा कि नहीं, हम बदहालपुर अपने गांव को नहीं बनने देंगे,